नमस्कार, मैं बेखा कौशिक स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, खुश होने के लिए किसी बड़ी सफलता का इंतजार ना करें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां आपके आज में हैं और इसी पल में छुपी हुई हैं। तो और खुश रहना आपके हाथ में है। जिस चश्मे से दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी। तो छोटी खुशियों के लिए पैसों का इंतजार ना करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में छप्पर फाड़ कर पैसा आए, तो आज बुधवार के दिन हम आपको बताएंगे वो उपाय जिसे करने के बाद आपको मिलेगा छप्पर फाड़ के दंत। दूर होगी नौकरी व्यापार में आ रही सभी रुकावटें, साथ ही मिलेगी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद। और ये उपाय बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपकी परेशानियों का हल भी हम आपको देंगे। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से आज का दुर्लभ संयोग। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज बुधवार को किए जाने वाले एक ऐसे महाचमत्कारिक उपाय की, जिसे आज के दिन करने से मिलेगा आपको छप्पर फाड़ के धन। दूर होंगी आपकी नौकरी व्यापार में आ रही रुकावटें, मिलेगा आपको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज बुधवार दिनांक 10 अप्रैल सन 2019 को चैत्र मास की नवरात्रा की, बसंत नवरात्रा की पंचमी तिथि है। आज लक्ष्मी पंचमी, शी पंचमी, सर्वार सिद्धि योग, रवि योग का बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 कल्पादि तिथियों में एक मानी जाती, जिसके कारण आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली बन पड़ा है। तो आज आप सभी को धनदात्री देवी मां लक्ष्मी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का पूजन, व्रत, उपाय करना आप सभी के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश के विशेष पूजन, व्रत, उपाय से इतना बरसेगा धन कि आपके तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। मिलेगा छप्पर फाड़ के धन, मिलेगा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आशीर्वाद। पूरे वर्ष, जो कि हिंदू नववर्ष जो शुरू होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, तो हमारे इस पूरे नए वर्ष में यदि आज के दिन हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहेगा। भविष्य पुराण कहता है कि शी पंचमी का व्रत करने वाले व्रती जो लोग होते हैं, जो आज का दिन व्रत करते हैं, उनके 21 कुलों, 21 पीढ़ियों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। जो आज के दिन शी पंचमी के दिन, लक्ष्मी पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माँ लक्ष्मी लोक में निवास मिलता है। इसके अलावा जो भी महिला इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करती है, उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, रूप सुंदरता प्राप्त होती है, संतान प्राप्त होती है और वो धन से संपन्न हो जाती है। तो आज कैसे करें शी पंचमी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, आइए उस विधि को भी समझ लेते हैं। आज शी पंचमी के दिन, लक्ष्मी पंचमी के दिन प्रातःकाल भगवान गणपति का, मां लक्ष्मी का केसर मिश्रित कच्चे दूध से, पंचामृत से, शहद से, घी से, अनार के रस से, आंवले के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से आज अभिषेक कीजिएगा, विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। चांदी के दीपक में गौघृत का दीपक जलाइएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, गणेश जी महाराज को
पालक का पत्ता चढ़ाइएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को च्यूनरी मेहंदी श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, आज कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण कीजिएगा, कमल गट्टे अर्पण कीजिएगा, कमल के पुष्प अर्पण कीजिएगा, अनाज हल्दी गुड़ अदरक इत्यादि सामग्री माँ लक्ष्मी को आज अर्पण कीजिएगा, भगवान श्री गणेश को माँ लक्ष्मी को केसर की बर्फी का शुद्ध देशी घी का गुड़ का भोग अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, गणेश जी भगवान को 21 केलों के फलों का भोग लगाइएगा, माँ लक्ष्मी को 21 अनार के फलों का भोग लगाइएगा, पूजन के पश्चात इन फलों को जरूरतमंदों के बीच में वितरित कर दीजिएगा। आज एक विशेष मंत्र से एक माला कम से कम माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के समक्ष बैठकर मंत्र जाप अवश्य कीजिएगा 108 बार। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की माँ लक्ष्मी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, पूरे दिन निराहार रहिएगा, एक समय भोजन कीजिएगा। तो आज का जो पूजन मंत्र रहेगा भगवान गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, वो रहेगा ओम महोदराय नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। एक गणेश जी का मंत्र और एक लक्ष्मी का मंत्र, दोनों को साथ में कंबाइन करके आपको एक माला कम से कम 108 बार जाप करना है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी, कुबेर सहित शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का परमानेंट मिलेगा आशीर्वाद। बिल्कुल, तो आज बुधवार के दिन कैसे भगवान गणेश को आपको प्रसन्न करना है ये पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा आपके समस्याओं के हल भी हम लगातार आज जानते रहेंगे। कृष्णा जी का कॉल लेते हैं, ब्यावर से ये जुड़ गई हैं। 8 जून 1978 डेट ऑफ बर्थ और 5:10 का सुबह का समय। स्वागत है कृष्णा जी, सवाल क्या है बताएं। प्रणाम महाराज जी, शुभ आशीर्वाद बेटा। मेरे को ये पूछना है महाराज जी, ये मेरी 8/6/78 है और सुबह का समय है 5:10। मेरे को ये पूछना है, मैं घर बैठे अगर कुकिंग कोर्स चलाती हूँ तो उसमें बेनिफिट है कि नहीं है और किस नाम से करूँ? देखो बेटा, जहाँ तक कृष्णा आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, पहली बात तो यह है कि जो आप कुकिंग कोर्सेज वगैरह चलाती हैं निश्चित तौर पे ये आपको सफलता प्रदान कर सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। नाम आपको जो रखना चाहिए, आपको जिस करेक्टर पे नाम रखना है वो आप रख सकते हैं, ए फॉर एप्पल वाला जो होता है, अंजलि वाला जो ए होता है, ए के ऊपर आप नाम रख सकते हैं, या दीपक वाला द, इसके ऊपर आप कुकिंग कोर्स का नाम रख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में आप एक सक्सेस बिजनेस वूमेन बन सकती हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। बुध की मादशा चल रही है आपको और बुध में भी बुध का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली में एक तो सर्प दोष बना हुआ है, सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक शांति करवाइएगा उज्जैन या नासिक जाकर। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में मंगल शनि की युति भी बनी हुई, भारी मांगलिक है आप। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति अवश्य करवाइएगा। हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, हरी चद्दर पे सोइए और उसके साथ अलमारी घर में इस तरीके से रखें जो भी आपका पैसा आता है कि उसका जो दिशा है वो उत्तर दिशा में उसका पल्ला खुले। माता रानी के आशीर्वाद से आपके कुकिंग कोर्स के कोर्सेज की क्लासेस अच्छी चलेंगी, हमारा भी शुभ आशीर्वाद है बेटा। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, रविशंकर जी का कॉल लेते हैं, डीडवाना से ये जुड़ गए हैं और 13 अप्रैल 1985 डेट ऑफ बर्थ और 10:15 का सुबह का समय। स्वागत है रविशंकर जी, सवाल क्या है बताएं। प्रणाम पंडित जी, शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मैं 9 साल से संविदा में नौकरी कर रहा हूँ जी, सही बात। हाँ। कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए रविश कुमार, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, चूँकि आप संविधा पे नौकरी कर रहे हैं और गुरु की मादशा, अभी आपको 18 साल की राहु की मादशा फरवरी 2019 में ख़त्म हुई, अब आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय गुरु की मादशा शुरू हुई है अभी आपकी 16 साल की, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में 2-3 समस्याएँ हैं। पहली समस्या तो यह है कि आपकी कुंडली के अंदर सर्पदोष बना हुआ है
उज्जैन या नासिक जाके सर्पदोष की पूजा करवाइए। सर्पदोष के कारण आपका कोई भी काम सीधा नहीं होता, हर काम में हर्डल्स आती, रुकावटें आती हैं, थोड़ा रुक के होते हैं काम। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में दो ग्रह नीच के हैं, एक तो बुध भी नीच का है, दूसरा गुरु भी नीच का है। अब गुरु की मादशा शुरू हुई है, इसलिए एक सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में चांदी के अंदर आपको धारण करना है 5.25 रत्ती का, अगर आप अगले 16 साल जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि क्या संविधा से आप परमानेंट हो जाएंगे, निश्चित तौर पर आपके कुंडली में परमानेंट होने का योग है। एक तो कालसर्प दोष की पूजा कराइए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर, अभी आपका जन्मदिन आ रहा है उस दिन कीजिएगा, और बुधवार को हरे रंग के फलों का दान कीजिए, गुरुवार को पीले रंग के फलों का दान कीजिए, सफलता आपके कदमों को छूने की। जी, तो उपाय आपको बता दिए हैं रविशंकर जी, उम्मीद करते हैं ये उपाय आपने लिख लिए होंगे और आपके जीवन में जल्दी से खुशी आएंगी, ये भी हम आशा करते हैं। आगे चंदा जी का कॉल लेते हैं, बाड़मेर से ये जुड़ गई हैं और मोहित के लिए जानना चाहती हैं, इनका बेटा है 30/12/1996 डेट ऑफ बर्थ और 3:10 का दोपहर का समय है। स्वागत है चंदा जी, सवाल बताएं। नमस्ते पंडित जी, शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं अपने लड़के से बात कर रही हूँ, ये बोलेगा कब, ये जन्म से धूप दिखती है। देखिए बेटा चंदा, जहाँ तक आपके बच्चे का सवाल है, चंद्रमा की मादशा अभी 2019 से शुरू हुई है, इसकी कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो गुरु नीच का है इसके जन्म कुंडली के अंदर, जो कहीं ना कहीं इसके वाणी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको रोक देता है। आपकी शायद हमारी पहले बात हुई है लेकिन नहीं हो पाई हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आपको एक दक्षिणावर्ती शंख घर के अंदर रखना है। दक्षिणावर्ती शंख वो होता है जो दक्षिण की तरफ खुलता है, उस दक्षिणावर्ती शंख को सिद्ध करवा के, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में उसको सिद्ध करवा के उसमें जल भर के रखें और उस जल में तुलसी का पत्ता डालकर रखें। भगवान विष्णु का सिंपल सा मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करें और फिर उस जल का सेवन अगले दिन, उस जल को फेंकना नहीं, उस जल का सेवन अगले दिन जो है वो उस बच्चे को करवा दीजिए। नियमित रूप से 40 दिन ये उपाय कीजिए, इसके बोलने की जो क्षमता है उसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए और उसके साथ साथ में पक्षियों को, इस बच्चे के हाथ से पक्षियों जहाँ बैठते हैं कबूतर वगैरह, वहाँ पर दाना और पानी 40 दिन का आप उपाय कीजिए, बहुत जल्दी इसकी आवाज़ वापस आएगी। तो उम्मीद करते हैं चंदा जी, आपके बेटे की आवाज़ जो है जल्दी से आए और वो बोले, और उसके लिए उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं। और दर्शकों, आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुधवार के दिन यानी आज के दिन कौन सा महाटोटका करना है जिस पर आपसे धन वर्षा हो। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है, आज श्री लक्ष्मी है, व्रत किया जाएगा, तो आज नवरात्रा के पंचम दिन माँ लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी पंचमी के दिन सर्वार सिद्धि योग में आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। ऐसी शुभ तिथियों पे यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आज करें ये महाचमत्कारिक उपाय। करना क्या है, आज पूजा घर में अपने पूजा स्थान पर एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, पूजा घर में एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर हरिद्रा से रंगे, उस पर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बनाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिए। साथ ही कनक धारा यंत्र की आज स्थापना कीजिए, कनक धारा यंत्र की स्थापना भी चौकी के ऊपर करनी है। एक कलश में जल भरकर आपको रखना है, माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र की पंचोपचार पूजन अर्चन करना है आपको। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से
दही से, शहद से, अनार के रस से माँ लक्ष्मी का और कनक धारा यंत्र का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ लक्ष्मी को और यंत्र को केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। अब आपको बैठकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। पाठ की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। हाथ में कमल पुष्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिए आज आपको कि हे कमल सदस्य नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, हे माननीय, हे पूजनीय, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हैं। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए हैं, गंध माला इत्यादि से सुशोभित है। आपके चरणों का दर्शन मात्र ही बड़ा मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे माँ लक्ष्मी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो जाइए। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। कलश का जो जल है उसको पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दीजिए। पूजन मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। एक माला कम से कम इस मंत्र का आज माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठकर जाप करना है। दो बार मंत्र बोलता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ओम वम शिम वम ऐं रिम शिम क्लिम कनक धाराय स्वाहा। ओम वम श्रीम वम ऐं रिम श्रीम क्लिम कनक धाराय स्वाहा। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करेंगे, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करेंगे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे, उनके घर होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता कर्ज से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना। बिल्कुल, तो कैसे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी, कैसे भगवान गणेश, कैसे भगवान कुबेर आप पर प्रसन्न होंगे, ये पंडित जी ने बता दिया है। और आगे आज का गुड लक टिप और दिव्य मंत्र भी लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम आपको बता रहे थे वो उपाय जिससे आप पर छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, लेकिन साथ ही समस्याओं के हल भी ले रहे हैं। तो निशा जी का कॉल ले लेते हैं। भीलवाड़ा से पंडित जी ये जुड़ गई हैं और अपने बेटे पार्थ के लिए जानना चाहती हैं। 11/11/2012 डेट ऑफ बर्थ और 1:14 का दोपहर का समय है। निशा जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है बताएं। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं इसके बारे में, इसका करियर कैसा रहेगा, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, और गुरुजी इसकी फिटनेस के बारे में जानना चाहती थी। जैसे अभी ये 7 का है लेकिन लगता है ऐसा कमजोर है जो 2-3 का। देखो बेटा, जहाँ तक आपके बच्चे की पार्थ की जन्म कुंडली का सवाल है, हस्त नक्षत्र में जन्मा है, कन्या राशि इस बच्चे की, लेकिन इसके साथ समस्या है। समस्या ये है कि एक तो अष्टम भाव का शरीर का, आयु के घर का, बीमारी के घर का स्वामी सूर्य इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। उसके साथ साथ में शुक्र भी नीच का है। सूर्य का नीच का होना कहीं ना कहीं इसको फिजिकल अनफिट करता है। शुक्र भी साथ में भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठ गया है। तो दो दो ग्रह यदि नीच के हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हेल्थ सेक्टर जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। वैसे जो शरीर का घर है, लग्न जो है, वहाँ का स्वामी शनि उच्च का है, भारी पितृदोष बना हुआ है। इस पितृदोष की इसके पिताजी को बोलिए
कि उज्जैन जाकर एक बार विधि विधान पूर्वक शांति करवाएंगे। आपको घर में पानी का मटका रसोई में जा भर के रखती हूँ, पितरों के नाम का निमित्त रूप से देशी घी का दीपक जलाना है। इस बच्चे को जितना संभव हो तांबे के कलश का या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पिलाना है। एक सोने का सूरज लाल रंग के धागे में, अभी नवरात्रा में कोई भी दिन हो उस दिन इसके लाल रंग के धागे में सोने का सूरज डाल दीजिए और धीरे धीरे इसकी आदत में डालिए, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और रोज गायत्री मंत्र सिखा दीजिए, 11 बार सुबह 11 बार शाम को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करवाइए हर साल इसके जन्मदिन में, अभी करवा दीजिएगा और बाद में जन्मदिन पर भी करवा दीजिएगा, निश्चित तौर पर इन सरल उपायों से फायदा होगा। बिल्कुल, और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं और आज के गुड लक टिप्स पंडित जी से ले लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज के गुड लक टिप्स। पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा। गणेश जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइएगा, निश्चित तौर पर यदि आपको हेडेक होता है, सिरदर्द होता है तो वो दूर हो जाएगा। आज का गुड लक टिप्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी, एग्जामिनेशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा हुआ। तोतों को हरी मिर्च खिलाइएगा, कर्ज से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स आपके नौकरी व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो नौकरी व्यापार की सफलता के लिए अपने ऑफिस की दराज में, अपने शोरूम की दराज में 6 चॉकलेट रखिएगा और शाम को दुकान या ऑफिस से निकलते समय वो चॉकलेट बच्चों में या छोटी कन्याओं को बांट दीजिएगा, आपका दिन खुशनुमा बना रहेगा। आज का गुड लक टिप्स वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए माता के मंदिर में हरे रंग की बिंदिया का पैकेट और चुनरी अर्पण कीजिएगा, आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। घर के सुख शांति समृद्धि के लिए गुड लक टिप्स, आज घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण बांधिएगा, पूरे दिन घर में शुभता का संचार होगा। जी पंडित जी, गुड लक टिप्स की तो बात हो गई और आज का दिव्य मंत्र आपसे जानना चाहेंगे जिससे दिन जो पूरा है वो सुखमय बना रहे। आइए दोस्तों जानते हैं आज का महादिव्य मंत्र। ओम गण वल्लभ मूर्ते नमः। ओम गण वल्लभ मूर्ते नमः। ओम गण वल्लभ मूर्ते नमः। लाभ क्या है? आपके दिन को पूरी तरीके से सुखमय बनाने वाला, आपके दिन को पूरी तरीके से निर्विघ्न बनाने वाला, पूर्णतः सफलता दिलवाने वाला एक महादिव्य मंत्र है। घर के देवालय में एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आज का दिन टेंशन फ्री रहेगा और पूरी तरीके से सुखमय बना रहेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेंशन फ्री यह मंत्र देने के लिए हम कामयाब रहे होंगे और आशा है कि कार्यक्रम भी आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।